लिंग्विस्ट डाइवर्सिटी के क्वेश्चन हैं एन की सिक्स लेवल की बुक में से जो बने हैं उसको एक्सटेंड किया है आइडियाज़ को uh, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं व्हाट टर्म इज़ यूज टू रेफर टू ग्रुप ऑफ लैंग्वेज दैट आर हिस्टोरिकली एंड लिंग्विस्टिकली रिलेटेड शेयर ए कॉमन एंसेस्टर्स हिंदी में भी साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा कहाँ है भाषा का उन भाषाओं के समूहों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो ऐतिहासिक और भाषाई रूप से संबंधित है एक समान पूर्वज साझा करते हैं भाषा विविधता भाषा विरासत भाषा परिवार संस्कृतिक संबंध राइट आंसर है भाषा परिवार लैंग्वेज फैमिलीज़ तो लैंग्वेज फैमिलीज़ पर नॉर्मली बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए, दावा है अजरशन वाले क्वेश्चन है uh, ये साथ में इंग्लिश में देख लेंगे यहाँ पर ये अजरशन है स्टडिंग लैंग्वेज फैमिलीज़ फेसिलिटेट्स लिंग्विस्टिक इन ट्रेसिंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कनेक्शनज बिटवीन पॉपुलेशन ये बिल्कुल हंड्रेड परसेंट ओके है क्योंकि लैंग्वेज फैमिली हेल्प करती है कि कोई भाषा का जन्म कैसे हुआ उसका विकास कैसे हुआ और आ, हमने समझना है अपनी सांस्कृतिक या ऐतिहासिक विरासत और, और और उनमें से कनेक्शंस जो वो फ, जो है भाषा परिवार है हमें हेल्प करते हैं यो ठीक है रीजनिंग देते हैं डाइवर्जेंस ऑफ लैंग्वेज इन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म ओवर टाइम ड्यू टू पॉपुलेशन स्प्रेड एंड लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन इज एक्म्पनिड बाय शेयर्ड सिमिलरिटीज इन वोकैबलरी ग्रामर एंड फोनोलॉजी इंडिकेटिंग देयर कॉमन हेरिटेज विद इन ए लैंग्वेज बिल्कुल तो जो पॉपुलेशन डिफ्रेंस पॉपुलेशन कोई इधर चली गई है ना जैसे द्राविडियन थे वो साउथ की तरफ चले गए है ना इंडो आर्यन थे वो मिड में इधर तिब्बतों वाले एक तरफ फैल गए तो वो आ, आ, जो भाषा फैल गए उसमें सिमिलैरिटी थी तो वो द्रविड़ियन की सांझ है साउथ की लैंग्वेज आप देखो उसमें कोई सांझ है सांझ किसकी है ए, ग्रामर की वोकेबुलर की फोनोलॉजी की धुनि विज्ञान की है ना तो वो शेयर्ड हेरिटेज को ए, करते हैं तो ये ए, जो रीज़न और एजर्शन दोनों ही ठीक है बोथ एजर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड द रीजनिंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ये थोड़े लंबे क्वेश्चन होते हैं टाइम ले लेते हैं भाषा प्रवार का अध्ययन भाषाविदों को भाषाओं की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने के साथ साथ आबादी के बीच संस्कृत और ऐतिहासिक संबंधों के को समझने में सुविधा प्रदान करता है तर्क क्या है जनसंख्या प्रसार और भाषाई विकास के कारण समय के साथ साथ भाषाओं को अलग अलग रूपों में विचलन शब्दावली व्याकरण और ध्वनि विज्ञान का साझा समानताओं के साथ होता है ए जो एक भाषा परिवार के भीतर उनकी सांझा विरासत का संकेत देता है तो ये दोनों ठीक हैं ये किस भाषा परिवार की भाषाएं समय के साथ साथ भिन्न हो जाती हैं इंग्लिश में आ, ये रहा ना, हाउ डू लैंग्वेजेस विद इन ए लैंग्वेज फैमिली डाइवर्ज ओवर टाइम एक लैंग्वेज परिवार में फिर कैसे वो डिफ्रेंस आ जाता है बाई बमिंग मोर सिमिलर इन बोकेबरी नहीं बाई शेयरिंग फ्योर ग्रामेटिकल ये है कि डाइवर्ज ओवर टाइम बाई इवॉल्विंग इन टू डिस्टिंक्ट लैंग्वेज बाई डिक्रीजिंग इन फोनोलॉजिकल कंप्लेक्सिटी तो ये बन रहा है कि बाई इवॉल्विंग इन टू डिस्टिंक्ट लैंग्वेज Uh, क्योंकि डिफरेंट uh, लैंग्वेज में उनका विकास हो गया है नेक्स्ट है व्हाट डू सिमिलैरिटीज़ इन वोकेबलरी ग्रामर एंड फनोलॉजी अमंग लैंग्वेज विद इन ए फैमिली लैंग्वेज फैमिली इंडिकेट ये क्या कहती हैं सेपरेट औरिजन नहीं क्योंकि यहाँ सिमिलैरिटी है कॉमन सिमिलैरिटी ये हो सकता है कल्चरल प्रैक्टिस शेयर्ड हेरिटेज इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ये ये बिल्कुल अलग है शेयर्ड और कॉमन इनमें से राइट आंसर दिखाई देता है शेयर्ड हेरिटेज इज राइट आंसर हिंदी में इसका शब्द है साझा सांझी विरासत uh, भाषा परिवारों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है uh, जी वैसे पीछे भी उत्तर आ चुका है Uh, भाषाई एक रूपता को बढ़ावा देता है सांस्कृतिक विविधता को समझता है ठीक है ये भी लेकिन भाषा की उत्पत्ति और विकास को पता लगता है ये बेस्ट आंसर है इसका आ, पीछे इसका आ, जो है डिस्कशन हो चुकी है वाई टू स्टडी लैंग्वेज है ना टू ट्रेस लैंग्वेज ओरिजिन एंड डेवलपमेंट विच ऑफ़ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिली आर फाउंड इन इंडिया इंडो यूरोपियन एफ्रोएस्टिक नहीं है आ, इंडो आर्यन द्रविडियन एंड ऑस्ट्रोएस्टिक ये हैं तीन ये वाली इंडो आर्यन और द्रविडियन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 97 आगे आ गई जाके क्वेश्चन भी आएगा और ऑस्ट्रिक और तीसरी है तिब्बतो साइनो तिब्बतो है ना ये बी वाला राइट आंसर यहाँ हम लगाएंगे ए, हिंदी में इसको लगाएंगे यहाँ पर इंडो आर्यन द्रविडियन साउथ वाला हिस्सा आ गया और आस्ट्रो एशियटिक है ना ऑस्ट्रिया से जुड़ता है एशिया से जुड़ता है ये आ गया मलयालम किस भाषा प्रभार से संबंधित है मैंने एक वो बताया था आपको इंडिकेशन दी थी कि मैप को देखना है जो साउथ वाली ए, स्टेट्स हैं वो द्रविडियन आ, से जाकर जा मिलती है तो मलयालम अब कहाँ पर है नेक्स्ट है विच लैंग्वेज फैमिली इंक्लूड्स लैंग्वेज लाइक बोडो खासी एंड घारो ऑस्ट्रियो देखो आ, ये जो ऑड है इंडो आर्यन द्रविडियन ये आपने इस मैप को याद रखना है ये वाले मैप को है ना तो ये द्रविडियन ये वाला ब्राउन वाला पार्ट आ गया ये आर्यन इंडो आर्यन ये ब्रून वाला और ये ध्यान से देखना यहाँ पर आसाम और ये वाले से बचना है अगर ऑप्शन ये डाल दी है नीले वाली यहाँ आसाम नीले में आ रहा है अरुणाचल प्रदेश तिब्बतों में आ रहा है तिब्बतों साइनों में नागालैंड मणिपुर मिज़ोरम मेघालय ये तिब्बतों में इर्द गिर्द आ रहा है ये वाला इर्द गिर्द एक मैप में ये सारा अगले मैप में ये होगा यहाँ पर सारा ये दिखाया गया ये तिब्बतों ये ग्रीन वाला है आ, तो इनसे कुछ अंदाज़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने लगाना है यहाँ पर ऑस्ट्रियो अच्छा अब ऑस्ट्रियो ये रेड वाला ये वाला ही रीजन जब पूछा जाता है ये वाला रीजन यहाँ पर ये वाला रीजन पूछा गया है ये वाला ऑस्ट्रियो एस्टिक आ, ये रहा यहाँ पर कौन सा है ये, आ, ये वाला ये वाला ये वाला झारखंड के इस तरफ ये वाला और ये वाला ये लोग यहाँ पर चले गए और भाषा को ये मेघालय का एक हिस्सा भी यहाँ पे आधा हिस्सा उसी में इसमें दिखाया गया है चलो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऐसे ही याद करना है आपने तो ऑस्ट्रो एसटिक एसटिक याद रख सकते हैं बोडो खासी घारो आ, इसको किसी तरह से आप एसोसिएट कर सकते हैं बोडो एस्ट्रो ओ से जोड़ लीजिए ये हो सकता है कि आपको हेल्प कर दे सॉल्व करने में मराठी एंड कौनकानी लैंग्वेज बिलोंग्स टू बिच लैंग्वेज फैमिली हिंदी में भी है मराठी देखो महाराष्ट्र में बोली जाएगी फिर यहाँ पर मैप पर जाइए यहाँ हमारा ये वाला ग्रीन uh, वाला ब्लू वाला है ना ब्लू वाला किस इंडो आर्यन भी आ गया तो ये आंसर आपको यहाँ से मिल गया कि आप द्रविडियन में नहीं जाओगे साइनो तिब्बतो वहाँ नहीं जाओगे इंडो आर्यन यहाँ पर राइट आंसर है हिंदी uh, में साथ में दिखाऊं कि नहीं यहाँ साथ में लेके चलते हैं किस भाषा परिवार के बोडो खासी और भाषाएं हैं ऑस्ट्रिक हो गया और ये मराठी ये आ गया कौन कहानी मराठी महाराष्ट्र महाराष्ट्र ब्लू वाला ए, रीजन है वो यहाँ पर आ गया इंडो आर्यन नेक्स्ट है कौन सी भाषा प्रभार पुख रूप में भारत में हिमालय के क्षेत्रों में बोली जाती है तो हिमालयों में ये तिब्बत चीन आ गया ना ये इजीली मिल जाएगा आपको बाकी निकल गए ये चीन तिब्बत आ गया मणिपुरी भाषा प्रभार किससे संबंधित है आ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी ये देख लें इंडो आर्यन वाले यहाँ मनीपुरी आ गया ये साथ में इसका वो लिखा हुआ है दूसरा नाम तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर है ए, ये कौन से है मराठी ये नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पर वो आ गया मणिपुर ऊपर वाले हिस्से में है तो नेचुरली है द्रविड़ियन को नहीं चूज करेंगे इंडो आर्यन को नहीं चूज करेंगे ऑस्ट्रिक को नहीं चूजेंगे साइंस तिब्बती ये इसको राइट आंसर चूज करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू द्रविड़ियन लैंग्वेज वो जो भी होगा उसको चूज़ करेंगे हिंदी वहाँ बिल्कुल नहीं है मतलब हिंदी के बेस पर ही तो डिवीज़न हुई है जैसे पाकिस्तान के रिलीजन के बेस पर हिंदुस्तान पंजाब की डिवीजन हुई है पंजाबी नहीं है गुजराती नहीं है तेलुगु राइट आंसर आ गया क्योंकि यहाँ पर ये तेलुगु तमिल है ना ये वाला हिस्सा आ गया यहाँ चलते हैं दोबारा हाउ मैनी लैंग्वेज आर देयर इन ऑस्ट्रियो लैंग्वेज फैमिली स्पोकन इन इंडिया अब uh, पंद्रह भी है कहीं चौदह भी है uh, यहाँ पर अगर टेबल देखना है ये ऑस्टो एस्ट्रिक फोटीन लैंग्वेज हैं इसमें फोर्टीन लैंग्वेज वन पॉइंट वन वन परसेंट लोग हैं यहाँ मिलते हैं ये इस भाषा को बोलने वाले तो ये राइट आंसर यहाँ पर हमें मिल गया नेक्स्ट uh, है विच लैंग्वेज फैमिली डज द लैंग्वेज कुरो बिलोंग टू ये बहुत डेंजरस डेंजरसा नाम आ गया भाई कुरख किस से संबंध है कुरख तो इतनी अजीब सी भाषा जब आएगी तो हम ज़्यादा बायस होंगे ऑस्ट्रियो की तरफ बोडो ऑस्ट्रियो इसकी तरफ राइट आंसर ए है यहाँ पर नेक्स्ट uh, है uh, ये रहा विच ऑफ़ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू तिब्बतो बर्माज सब फैमिली ऑफ साइनो तिब्बत लैंग्वेज फैमिली ये uh, थोड़ा ध्यान से करना है uh, क्योंकि ये अब तिब्बतो ये uh, नेचुरली है बोडो और खांसी को निकाल देंगे हम ऑस्ट्रियो में इसको सॉल्व कराए हैं कि ऑस्ट्रियो से है नेपाली और मणिपुरी के साथ इसका संबंध होगा अब यहाँ पर ये देखें नेपाली और मणिपुरी यहाँ पर अगर मैप में हम देखें ए, ये रहा नेपाली और मणिपुरी ये रहा इसको बड़ा कर रहे हैं ये दिखाई देगा पता नहीं ये मणिपुरी जो आ रहा है ये आ रहा है तिब्बतों में इसलिए राइट आंसर हम चूज़ करेंगे यहाँ पर मणिपुरी uh, को नेक्स्ट uh, है एजर्शन पर्शियन एंड इंग्लिश हैव बोथ हिस्टोरिकली हेल्ड सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिया रीजनिंग पर्शियन हाँ बिल्कुल दोनों का इम्पोर्टेंस है वाज़ यूटिलाइज एज कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड बिल्कुल ठीक है पर्शिया को मुगल के साथ जोड़ोगे और इंग्लिश को आ, जो इंग्लिश पीरियड में गवर्नेंस एंड एजुकेशन के लिए ये हमें पता है कि उनको क्लर्क चाहिए थे वो इंग्लिश इसलिए टीच कर रहे थे उन उन सिलेक्टेड लोगों को है ना फिर डाउन फिल्टर थ्योरी जो है uh, वो एजुकेशन की कि उ, उन लोगों को जो हमारे काम आएंगे और जो जिन पर हमने राज करना है उनको और हमारे बीच में लिंक बन जाएगा इंग्लिश uh, के ज़रिए तो इंग्लिश uh, ये दोनों ठीक है uh, हिंदी में एजर्शन भी ये ठीक है और रीज़न uh, भी ठीक है uh, ये रहा दावा और ये यहाँ पर कन्फ्यूज़ uh, नहीं होना ये दावा और ये दावा है एजरशन uh, और यहाँ पर तर्क है इसमें एंटर नहीं मारा वो डिफरेंट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मन भाषा प्रभार से संबंधित रखती है यहाँ पर असामिया कश्मीरी मणिपुरी और गुजराती है दो तो हमने सीधी उड़ा दी ये नहीं है मिल रही असम और मणिपुरी को आ जाएगा अब ये देखना है इनमें से कौन सा है क्योंकि ये नज़दीक नज़दीक से डाले हुए हैं ये असाम ब्लू में आ रहा है ये मैंने बताना था असाम ब्लू में आ रहा है और फिर अब मणिपुरी इज़ राइट आंसर यहाँ पर मणिपुर है वापस चलेंगे यहाँ पर ये रहा ये हो गया मणिपुर राइट आंसर असामी ओरिजिनेटेड इन ओल्ड इंडो आर्यन डायलेक्ट असामी ओरिजिनेटेड इन ओल्ड इंडो आर्यन डायलेक्ट विच एथनिक ओरिजिन एंड लिंग्विस्टिक फैमिली डू त्रिपुरीज बिलोंग टू आ, ये क्वेश्चन को हिंदी में भी देखा जाएगा असामिया असामी की उत्पत्ति पुराने इंडो आर्यन बोलियों से हुई है तो ये एक क्वेश्चन भी बन रहा है आंसर भी बन रहा है त्रिपुरावासी किस जाति मूल की भाषा परिवार से हैं अब राइट आंसर यहाँ पर ये देखते हैं फर्स्ट के इंडो आर्यन ओरिजिन एंड ऑस्ट्रिक लिंग्विस्टिक फैमिली Uh, दूसरा बी है इंडो मगनोलिया ओरिजिन एंड द्रविडियन लिंग्विस्टिक ये द्रविडियन गलत हो गया मग्नोलिया यहाँ ठीक है इंडो मग्नोलियड ओरिजिन एंड तिब्बतो बर्मिज़ ये मिल रहा है आपस में क्योंकि उस रीजन के हैं सी इज राइट आंसर यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दावा आज की uh, विश्वकृत दुनिया में अंग्रेज़ी को सबसे ज़्यादा व्यापक भाषा माना जाता है बिल्कुल ठीक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कूटनीतिक विज्ञान प्रौद्योगिकी और लोकप्रिय संस्कृति में इसका व्यापकता ने अंग्रेजी ने एक प्रमुख भाषा माना जाता है बिल्कुल ठीक है आ, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड ग्लोबलाइजेशन जो भी होता है वो इंग्लिश के ज़रिए सब कुछ होता है तो एजर्शन भी ठीक है रीजनिंग भी ठीक है और दोनों उसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक कर रहे हैं नेक्स्ट uh, है व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ लैंग्वेज बिलोंगिंग टू तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली स्पोकन इन इंडिया हाँ तो देखिए डिफरेंस कितना है ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं एक्सट्रीम को वैसे अवॉइड करना होता है लेकिन मैंने जानबूझ के एक्सट्रीम में आंसर रखा है ये बताने के लिए सबसे अगर uh, डाइवर्सिटी का चैप्टर है ना डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी किस भाषा uh, फैमिली में पाई जाती है तो वो तिब्बतो बर्मिन लैंग्वेज फैमिली में है सिक्सटी सिक्स हैं इसमें नेक्स्ट uh, है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ ए हाइस्ट कंसनट्रेशन ऑफ द तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज तो ये आएगी मेघालय हिमाचल प्रदेश यहाँ पर कैंसिल करेंगे सबसे पहले उस रीजन का ही नहीं है ना uh, ये हिमाचल कर दिया मेघालय असम असम जो है तिब्बत बर्मन नहीं है अरुणाचल और मेघालय बचा है तो यहाँ मैप पर इसको कंफर्म करेंगे यहाँ जाके ये रखा अरुणाचल ये दिखिए ध्यान से इसको ड्रा करता हूँ ये अरुणाचल प्रदेश इतना इतना ज़्यादा जो ये वाला कलर है ये सारा ही ये वाली भाषा बोल रहा है ये यहाँ से यहाँ तक ये है ना रीज़न ये वाला तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वो बना है मिज़ोरम है सिक्किम है बाकी नहीं है मेघालय इतना है मेघालय इतना है और ये मेघालय का दूसरा ऑस्ट्रिक आ रहा है वापस सॉरी तिब्बतो तिब्बतो यानी ऑस्ट्रिक है ये ऑस्ट्रिक है यहाँ पर हाँ ये वाला कलर कौन सा है ये ये वाला कलर ऑस्ट्रियो है देखो यहाँ भी है ऑस्ट्रियो ये मेघालय के साथ में वापस चलते हैं एजर्शन है हिंदुस्तानी हिस्टोरिकली सर्व एज लैंग्वा फ्रेंका इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यस ये ठीक है हिंदुस्तानी आ, एक हाइब्रिड भाषा जो डेवलप हुई थी वो लैंगुआ फ्रेंका के रूप पर काम किया है आ, रीजनिंग है आ, ये रहा आ, एजर्शन यहाँ पर और ये रीजनिंग ओके और ये रीजनिंग में है हिंदुस्तानी इज ए प्लोरे लैंग्वेज दैट इनकम्पासज बोथ हिंदी एंड उर्दू ये दूसरा उत्तर आपको यहाँ से मिल सकता है हिंदी और उर्दू का कम्बिनेशन है इन uh, कॉरपोरेटिंग क्या क्या इसमें शामिल है इनकी वोकेबलरी हिंदी और उर्दू की ग्रामर मिक्स uh, है इनकी स्क्रिप्ट एलिमेंट इनके मिक्स uh, है जो कहाँ से आए हैं पर्शियन अरबिक तुर्किश और लोकल इंडियन लैंग्वेज इनके कम्बिनेशन है तो ये दोनों ठीक है एजर्शन भी और रीजनिंग भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज द कंसेप्ट ऑफ एथनोलॉग Uh, ये कंसेप्ट है ये कहाँ गया <laughs> ये जो लिविंग लैंग लैंग्वेज हैं यहाँ पर मिस है लिविंग लैंग्वेज हैं उनका एक एनसाइक्लोपीडिया है उसको ये बोला जाता है यहाँ पर हिंदुस्तानी हो गया Uh, चलो अभी वे अभी कथन देख लेते हैं नेक्स्ट uh, वो मैंने उत्तर वैसे बता दिया है एजर्शन है व्हेन वी बिलीव दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर हु मेनी मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली जब हमें ये लगता है कि हम Uh, मेरा रास्ता सबसे अच्छा है और जो दूसरे रास्ते अपनाए हैं वो रिलीजन का हो सकता है कोई और प्रैक्टिस का हो सकता है रिचुअल्स हो सकते हैं लैंग्वेज हो सकती है डिफरेंट है ना तो मैं अपने को बेस्ट मानता हूँ इट मीन्स दूसरों को मैं रिस्पेक्ट कम देने लगा हूँ इट मीन्स उनको इन्फीरियर मानने लगा हूँ ये सच है साइकोलॉजिकली ऐसा ही होता है सोशोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू है ये uh, तो तर्क है इसमें सम्मान uh, यहाँ पर सम्मान की यह कमी सांस्कृतिक विविधता और भिन्न दृष्टिकोणों की पहचान और सहारना करने में हमारी असमर्थता से उत्पन्न होती है बिल्कुल ठीक है ए, ये कमी जो है संस्कृत विविधता और विभिन्न दृष्टिकोणों को पहचानने और सहारना आ, सहारने करने में हमारी असमर्थता से हम असमर्थता बिल्कुल कि हम उसको समझ नहीं पाते तो यहां से जो है प्रिजिडिस और डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है दोनों ही ठीक हैं दावा इंग्लिश में यहाँ पर करेंगे एजर्शन है स्टीरियोटाइप्स कैटेगराइज इंडिविजुअल बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक लाइक नेशनलिटी रिलीजन जेंडर रेस एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड लीडिंग टू अनफेयर जर्नलाइजेशन जो बन गई स्टीरियोटाइपिंग है ना ओ ठीक है बिल्कुल ठीक है ये बिल्कुल ठीक है स्टीरो uh, टाइपिंग का टी याद रखा था कि बिलीफ है थिंकिंग है कोग्नेटिव आस्पेक्ट है जर्नलाइजेशन भी कोग्नेटिव आस्पेक्ट होता है रीजनिंग uh, इसकी क्या है ट्रेड सच एज साइटनेस लेजीनेस क्रिमिनलिटी इंटेलिजेंस आर नॉट इनहेरिटेड बिल्कुल ये किसी ग्रुप में जन्मजात नहीं होते बट कैन बी फाउंड अक्रॉस डाइवर्स पॉपुलेशन हाईलाइटिंग द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल इर रिस्पेक्टिव टू देयर ग्रुप बिल्कुल ठीक है एजर्शन भी ठीक है रीजनिंग भी ठीक है लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है उसके साथ जुड़ नहीं रहा जब तिब्बत बर्मन लैंग्वेजेज आर प्राइमरी इन विच स्पोकन इन विच रीजन ऑफ इंडिया साउथ में द्रविडियन है ईस्ट में ये आगे इंडोर है नॉर्दन में भी हो है वेस्टर्न में वेस्ट पार्ट में है यहाँ पर देखा था हमने है ना ये वाला ये वाला Uh, तो ये वाला राइट आंसर होगा यहाँ पर चलते हैं वापस यहाँ पे यहाँ आ गए हम नेक्स्ट uh, है विच आर द टू मेजर लैंग्वेज फैमिली स्पोकन इन इंडिया कोलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूटिंग 97 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इंडो आर्यन एंड द्रविडियन ये रहा इंडो आर्यन और द्रवेडियन अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास हुआ था 1963 में uh, ये रहा उसके बाद हाँ आ, तो हाँ वट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये वेरी ईजी है

दैट इज़ वाई आर्यन की धरती इनको ज़्यादातर बोला जाता है नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आठवीं सूची में कितनी भाषाएं की मान्यता है ये दो क्वेश्चन है एक तो किस सूची में ये मानता है आठवीं में दूसरा है आ, ट्वेंटी टू लैंग्वेजेज हैं ये लैंग्वेजेस की लिस्ट है डिफरेंट से आपको याद रखनी होगी Uh, तो ये हाउ मैनी लैंग्वेजिज़ आर रिकोगगनाइज इन एट्थ शेड्यूल बाई हो गई हैं विच लैंग्वेज इज़ नॉट रिकोगनाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन द एठथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ बिन एकर्रेडिटेड द स्टेटस ऑफ एन एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो वो कश्मीर है कश्मीरी ही होगा रहा हिट आंसर विच लैंग्वेज अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिकोगनाइज एज द शड्यूल्ड लैंग्वेज इन एट्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ लोएसट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर तो इसमें जो है सब ज़्यादा हैं बोर्ड ऑफ या संस्कृत अब नहीं बोली जाती विच लैंग्वेज अमंग ऑफ़ द फॉलोइंग रिकोगनाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ एट्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉमनली स्पोकन इन पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया संस्कृत फिर आ गई विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड सिंधी एज शेड्यूल्ड एक्ट तो सिंधी ये है सिंधी का एस जो है ये दो की तरह है और ये एक तो लगा ही है इक्कीसवीं इक्कीसवीं अमेंडमेंट ऐसे एस आई को आपने दो आई बना लिया ऐसे याद रखा है और कुछ नहीं है नेक्स्ट uh, है विच लैंग्वेज वर एडेड इन एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट और नाइन्टी टू कौन कौन सी है uh, ये कौन का नहीं मणिपुरी एंड नेपाली तो ये याद रखना पड़ेगा आपको ऐसे ही कौन कहीं मणिपुरी नेपाली लैंग्वेज uh, जो है uh, के एम एन एन एम एन के कोई भी ऐसी आप जोड़ सकते हैं नेक्स्ट है हाउ मैनी लैंग्वेज वर एडिड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन नाइनटी सेकेंड अमेंडमेंट दो हज़ार सो ये अमेंडमेंट कब हुई 2003 में ये भी ऑर्डर आप लर्न uh, रख कर सकते हैं तो ये फोर लैंग्वेजेज एड हुई थी ये, ये रहा फोर लैंग्वेज और ये कहा 2003 में चार लैंग्वेज ऐसे करके याद रख सकते हैं 2003 में चार लैंग्वेज ऐड कर दी गई थी वो कौन थी बोडो डोगरी मिथाली एंड सिंथाली मिथाली सिंथाली तो भाई बहन से बहने दोनों लगती हैं ये ओ ओ लगते हैं ओ ओ और ई ई आई आई चार हो गए 2003 में ये चार जने हो गए ओ ओ जैसे 2003 है ना तो इनको याद रखा डोगरी से और बोडो से और ये मिथाली सिंथाली जो है इसकी बहनें होंगी ओ दो बहनें दो दो बहनें 2000 से ऐसे एसोसिएट कर लो अगर ठीक लगता है अगर अपनी कोई एसोसिएशन बनती है वो कर लो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आज नॉट एडेड एज ए शेड्यूल लैंग्वेज इन नाइनटीन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2000 थाउजेंड है, है ना जीरो जीरो बोडो यहाँ आ गया ना डोगरी भी आ गया ना दो बहनें आ गई संथाली सिंधी नहीं है मिथाली है ये सिंधी इज राइट आंसर देखा अभी जो एक्सरसाइज की उसका आंसर मिल गया विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड बोडो डोगरी मिथाली सिंथाली एज तो अभी किया है ये वाला 92 वाला एक्ट रिपीटेड है क्वेश्चन व्हेन द तमिल रिकोगनाइज एज क्लासिकल लैंग्वेज बाय इंडिया 2004 में कैसे याद रखना है कि तमिल के एक दो तीन चार पाँच है ना बस चार के साथ इसको जोड़ लो पाँच नहीं भैया तमिल के चार शब्द हैं ऐसे जोड़ा है मैंने इस, इसको नेक्स्ट है विच लैंग्वेज वाज द लास्ट टू बी रिकोगनाइज एज क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया उड़िया सबसे छोटी लास्ट में सबसे छोटी लास्ट में है ना बेटी पैदा हुई है सबसे छोटी है तो उड़िया के स्पेलिंग सबसे कम है ऐसे मैंने याद रखी कि लास्ट में वो ऐड oh, uh, हुई है नेक्स्ट uh, है हाउ मैनी लैंग्वेज डज़ इंडिया रिकोगनाइज एज क्लासिकल लैंग्वेज तो क्लास सी 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 का सिक्स बना लो सिक्स ऐसे याद रख लो है ना क्लासिकल लैंग्वेज ध्वनि से जोड़ लिया मैंने विच ऑफ़ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज रिकोगगनाइज एज ए क्लासिकल लैंग्वेज बाई इंडिया इन टू जीरो ज़ीरो एट तो ये कौन सी है तेलुगु तेलगू भाषा नेक्स्ट uh, है विच लैंग्वेज वाज सेकंड टू बी रिकोगनाइज एज क्लासिकल लैंग्वेज बाय इंडिया संस्कृत ये कैसे याद रखना है संस्कृत सेकंड सेकंड रिकॉग्निशन ये रहा सेकंड ये रहा एस से संस्कृत ऐसे भी जोड़ सकते हो अगर जोड़ना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कंट्रीब्यूट टू द लैंग्वेज बींग क्लासीफाइड एज ए क्लासिकल कौन सा क्राइटेरिया है जिससे ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते हैं रीसेंट ओरिजिन एंड लिमिटेड लिटरेचर नहीं लिटरेचर ज़्यादा होगा ये गलत हो गया यहाँ पर होगा ये लिमिटेड ये वाला रंग गलत हो गया इन्फ्लुएंस ग्लोबल कल्चर नहीं ग्लोबल को नहीं इंडियन कल्चर को एंशियंट बिल्कुल ठीक है ओरिजिन एक्सटेंसिव लिटरेचर बिल्कुल ठीक है इन्फ्लुएंस इन इंडियन कल्चर सी वाला राइट right आंसर बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट uh, है व्हाट इज़ सम गाइडलाइन फॉर रिकॉग्नाइजिंग लैंग्वेज एज क्लासिकल हिंदी में भी देख लें क्योंकि बाकी तो सिमिलर थे ये लास्ट वाला देख लेते हैं कि हिंदी में कैसे हेल्प करेगा uh, ये वाले हो गए हाँ अच्छा uh, किसी भाषा को शास्त्रीय के रूप में मान्यता देने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं वो है आ, ये नहीं ये यही वाला है ना ये वाला कैसे आ, किया जाता है अभी ये किया प्राचीन उत्पत्ति व्यापक साहित्य भारतीय संस्कृत पर प्रभाव किसी भाषा को शास्त्रीय के रूप में मान्यता देने के लिए कुछ दिशा निर्देश क्या हैं हाल के ग्रंथ में और Uh, आधुनिक साहित्य परंपरा आधुनिक नहीं है एंशियंट है यहाँ से गलत हो गया uh, ग्रंथों की उच्च प्राचीनता मूल साहित्य परंपरा और आधुनिक रूपों से भिन्नता से भिन्नता है ये वाला ठीक है बी वाला सीमित साहित्य नहीं है अंतर्राष्ट्रीय नहीं है ये वाला ठीक है पिछले क्वेश्चन से मैच कर रहा है नेक्स्ट uh, है किसी भाषा को शास्त्रीय रूप में मान्यता मिलने का क्या लाभ है वट आर बेनिफिट्स ऑफ है ना आधुनिक साहित्य पुरस्कारों तक पहुंच है स्थानीय पुस्तकालयों के लिए धन की वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उत्कृष्टता केंद्र और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक अध्ययन ये लंबे वाला ज़्यादा बेटर है व्हाट आर द गाइडलाइन हो चुका है What are benefits uh, come with the recognition of language as classical? Assess of modern nahi hai, funding only nahi hai. International award a center of excellence hai, and professional chair in a central university. Ye right answer hai. Uh, which of the following is not guideline to recognize language as classical? Modern nahi, high antiquity of uh, text hai. है ना ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन है डिस्टिंक्शन फ्रॉम मॉडर्न है ये वाला नहीं है राइट ये मिल गया वट आर सम बेनिफिट ऑफ रिकोगग्नाइज क्लासिकल लैंग्वेज माइट एंजॉय डिक्रीज एकेडमिक अटेंशन नई रिकडक्शन इन हिस्टोरिकल रिसर्च नई एलिवेशन ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज स्टेटस नई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अभी जो हुआ ये वाला राइट right आंसर है डी वट हिस्टोरिकल रोल डिड परशियन एंड इंग्लिश प्ले इन इंडिया पहले भी इससे रिलेटेड दर्शन का क्वेश्चन आया था परशियन जो थी मुगल इतना याद रखना है परशियन मुगल है परशियन ब्रिटिश आ गया नहीं पर्शियन मुगल कोर्ट ऑफ मुगल ये वाला ठीक है इंग्लिश एजुकेशन एंड गवर्नेंस ये वाला ठीक है पर्शियन मुगल है राइट uh, आंसर right है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिंगुआ फ्रेंका ए लैंग्वेज स्पोकन इन मिनोरिटी नहीं ए लैंग्वेज यूज कम्युनिकेशन विद इन ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं लैंग्वेज दैट सर्व एज ब्रिज कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज ये बिल्कुल ठीक है हिंदी में भी देख लेते हैं Uh, एक दो क्वेश्चन छोड़ के भारत में फारसी जो थी वो आ गई मुगल के साथ और नेक्स्ट आ गया लिंगुआ फ्रेंका uh, की परिभाषा क्या है ये है ए ये है एक भाषा जो विभिन्न मूल भाषाओं को बोलने वालों के बीच संचार के लिए पुल के रूप में काम करती है लिंगो फ्रेंका का क्या अर्थ है स्वदेशी जनजातियों द्वारा बोली जाती नहीं किसी देश की अधिकतर भाषा नहीं विभिन्न मूल भाषाओं में बोलने वालों के बीच संचार के एक सामान्य माध्यम के रूप में वहाँ पुल यूज़ कर लिया यहाँ माध्यम यूज़ कर लिया राइट आंसर सी है यहाँ पर आज की विश्वकृत दुनिया में अंग्रेजी के अक्सर सब व्यापक भाषा माना जाता है आ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पहले भी है इसको छोड़ देंगे और uh, ये वट मीनिंग ऑफ लिंगुआ फ्रेंका हो चुका है और व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग हिंदी एंड नॉन हिंदी रीजन्स इन इंडिया इट्स रोल ऑफ लिंगुआ फ्रेंका दो रीजन इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन साउथ ये हो गया कंसर्न अबाउट इस इम्पोजिशन इन रीजन् वेयर इट इज़ नॉट द नेटिव लैंग्वेज है ना उनको कहा गया कि ये आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है राइट right आंसर ये हो गया वट इज़ द हिस्टोरिकल रोल ऑफ हिंदुस्तानी प्ले इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट सर्व एट मुगल पीरियड नहीं इट इज़ प्राइमरी लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ब्रिटिश इट सर्व एज अ लैंग्वा फ्रेंका ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये ठीक है हाउ हिंदुस्तानी करेक्टराइज लिंग्विस्टिकली हिंदी में भी देख लें ये ये वाला हो गया पिछला हो गया था ये आ, ये भारतीय महासुद हिंदुस्तानी का ऐतिहासिक भूमिका क्या निभाई है ये मुगल नहीं ये ब्रिटिश नहीं ये भारतीय उप महासूद एक सामान्य भाषा के रूप में कार्य करती थी है हा ना हाँ तो ये हो चुका है भाषाई दृष्टि है हिंदुस्तानी की क्या विशेषता है यह एक भाषी एक भाषी नहीं यह एक मिश्रित भाषा है एक भाषी नहीं है मिश्रित भाषा है ये रहा इसका सेंट्रल आइडिया हाइब्रिड लैंग्वेज इंग्लिश में है हाइब्रिड लैंग्वेज हाइब्रिड लैंग्वेज इन कॉरपोरेटिंग एलिमेंट ऑफ पर्शियन अरेबिक तुर्किश एंड लोकल इंडियन लैंग्वेज ये चार वर्ड भी अलग से पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है विच लैंग्वेज क्लासीफाई अंडर द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली हिंदी नहीं गुजराती बंगाली तमिल आती है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन इंडिया दो हज़ार ग्यारह की सेंसेस में Uh, तो ये कौन सी नहीं है कन्नड़ नहीं है नॉट पूछा है नॉट अमंग द फास्टेस्ट गुजराती बंगाली मणिपुरी इट मीन्स ये है तो ये लिस्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर आइडेंटिफाई एज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेजेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसेज इलेवन तो ये फर्स्ट वाले जो आंसर है हिंदी कश्मीरी मणिपुरी गुजराती और बंगाली ये पांच आंसर हैं इनमें Uh, हिंदी का आ गया कश्मीर उत्तर वाला इधर वाला गुजरात का और बंगाली uh, यहाँ पर है है हाँ ना? इसको छोटा करेंगे है हाँ? मतलब ये सबसे फास्ट डेवलप हो रही है रीजन यह यहाँ से याद रख सकते हैं uh, एक तो हो गई ये वाली मणिपुरी, और दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ गुजराती हिंदी ओवरऑल हो गई और कश्मीरी यहाँ पर That is all about uh, linguistic uh, diversity.